श्वेता और आप देख रही हैं इजी इंग्लिश। और क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और हम सारा दिन लिटरली स्क्रीन्स में देखते रहते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट वेयर ग्लासेस एंड यू नो गिव सम रेस्ट टू आवर आईज एज वेल। तो चलिए, मैं पढ़ा रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बहुत तरीके के बताए थे, और फिर मैंने आपको कहा था कि ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो आज फाइनली वो वक्त आ गया है जब डिटेलिंग में इनकी बात होगी। तो आज हमारे साथ हैं नाउन्स। सो नाउन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि नाउन का सिंपल डायरेक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन नाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन के टाइप्स का करेक्ट यूसेज क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली नाउन? नाउन इज़ नेम, पर्सन, थिंग, प्लेस, राइट? ये हमें पता है, लेकिन इनको भी अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन में कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर सिंपल बात करें तो नाउन इज़ अ वर्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है? और थिंग वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर थिंग। अब नाउन अगर मैं कहूँ, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये, अशोका इज अ वाइज किंग। तो हमारे यहाँ पे जो अशोका हो गया वो नाउन हो गया, बिकॉज अशोका इज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? अगर मैं कहूँ चंडीगढ़ इज ब्यूटिफुल, तो चंडीगढ़ यहाँ पे क्योंकि एक जगह का नाम है तो ये हो गया हमारा नाम, ठीक है? लेकिन दिस हैज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स, और उन्हीं टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस हेल्प कर रही हैं, अगर नहीं या कुछ कमी रह जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या कमी रह जा रही है, तो आई कैन मेक वीडियोस अकॉर्डिंग टू दोज शॉर्टकमिंग्स। हालांकि मेरी कोशिश यही है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हों उनको मैं क्लियर कर सकूँ। सो नाउन इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है? इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, प्रॉपर नाउन, नाम से ही याद रखिए कि किसी प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ की जब आप बात करेंगे उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप कुछ कॉमन की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब अगर मैं कहती हूँ अशोका, ठीक है, एक किंग का नाम है, तो अशोका मैं एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ, तो इसीलिए उसे कहा जाएगा अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ किंग की, किंग्स की, तो उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि किंग अशोका भी थे, ठीक है? किंग कोई और भी हो सकता है, राइट? किंग बाहुबली भी थे, तो किंग्स बहुत सारे हो सकते हैं। किंग जो है राजा, वो बहुत सारे राजाओं के लिए एक कॉमन शब्द है, तो इसीलिए वो आता है हमारा कॉमन नाउन में। और जब हम बात करें किसी स्पेसिफिक राजा की, चाहे वो राजा अशोक हो, चाहे वो बाहुबली हो, या कोई भी और राजा हो, तो वो आता है प्रॉपर में। तो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल गर्ल्स enjoyed during the party, ठीक है? अब इसमें हमारा कॉमन नाउन है वो क्या है? गर्ल्स, क्योंकि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट somebody स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स। बट इफ आई से प्रीति was missing, ठीक है? Now I am talking about one specific girl जिसका नाम है प्रीति, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि the girls went on a trip all by themselves, तो the girls is common noun, क्योंकि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, as a whole की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ सरिता enjoyed the rides, so I'm talking about one specific girl, Sarita. So Sarita is proper noun and girls, your girl is common noun.
डिफरेंस क्लियर, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। क्योंकि देखिए अगर हम ग्रामर में थोड़े से भी अनक्लियर होंगे ना तो हमें चीज़ें आगे समझ नहीं आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको प्रॉपर और कॉमन नाउंस में कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो वापस कीजिएगा आफ्टर दिस लाइव एंड वापस देखिएगा। उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड यू कैन जस्ट राइट टू मी इन कॉमेंट्स एंड आई कैन हेल्प यू सॉर्ट दैट आउट। सो नेक्स्ट वी हैव वॉट, नेक्स्ट वी हैव ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अशोका सो ए विल बी कैपिटल, हिमालयाज सो एच विल बी कैपिटल, इंडिया आई विल बी कैपिटल। सो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। अब आप अपना नाम लीजिए, जैसे मेरा नाम श्वेता है तो आई विल राइट विद अ कैपिटल एस बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, मेरा नाम श्वेता है। हाँ वो अलग बात है बहुत सारी श्वेताएं होंगी, लेकिन फिर भी श्वेता को हम लोग कॉमन में नहीं यूज़ करेंगे, लड़कियों को हम कॉमन नाउन में यूज़ करेंगे। सो एक ध्यान रखने का बहुत ही करेक्ट तरीका ये भी है कि जो भी शब्द आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन। बट देर आर सम टाइम्स व्हेन प्रॉपर नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑफन रेफर्ड टू एज the Shakespeare of his time। अभी देखिए he एक proper noun है, ठीक है, मैं किसी एक particular इंसान की बात कर रही हूँ। Shakespeare एक proper noun है क्योंकि Shakespeare एक playwright थे, एक writer थे, एक author थे। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस में कह रही हूँ कि वो अपने वक्त का शेक्सपियर कहलाया जाता था, तब आई एम टेलिंग अबाउट हाउ आई एम यूजिंग शेक्सपियर एज अ कॉमन नाउन। क्योंकि शेक्सपियर को यहाँ पे मैं एज अ पर्सन रेफर नहीं कर रही हूँ, शेक्सपियर को यहाँ पे मैं एज समबडी हु इज़ वेरी टैलेंटेड रेफर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ईरा में बहुत से ऐसे ऑथर्स हो सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लेराइट्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और उन सभी को मैं शेक्सपियर बोल सकती हूँ। इसीलिए शेक्सपियर क्योंकि बहुत सारे अच्छे राइटर्स के लिए यूज़ हो रहा है ऐसे केसेस में, तो यहाँ पर ये कहलाया जाता है कॉमन नाउन। जबकि अगर आप स्पेसिफिकली राइटर ऑथर शेक्सपियर की बात करें, विलियम शेक्सपियर की बात करें, तो दैट्स अ प्रॉपर नाउन बिकॉज आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट विलियम शेक्सपियर। आई होप यू गॉट इट, अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है एक्चुअली, तो जो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था और वो मैं अभी जब आपसे बात करूंगी तो आप इमीडिएटली उससे कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन्स हैं, भीम, ठीक है, भीम जी हमारे, और बाहुबली, ठीक है। बाहुबली भी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है क्योंकि हमने वो जो स्टोरी पढ़ी है, सो वी नो दिस पर्सन कॉल्ड बाहुबली, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर है लेकिन उस कैरेक्टर की फीचर्स क्या थे, कि वो बहुत स्ट्रांग था, वो शिवलिंग उठा लेता था अपने कंधों पर, एंड ही वॉज वेरी यू नो स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ही वॉज स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ हिज थॉट्स, एंड ही वॉज वेरी गट्सी एंड ही वॉज अ गो गेटर। सो अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ तो यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन्स हैं, भीम और बाहुबली, जो कि दो अलग अलग इंसान है। लेकिन मेरे इस सेंटेंस में मैं क्या कह रही हूँ, भीम वॉज द अल्टीमेट बाहुबली, यानी भीम हमेशा से, मतलब सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि मैंने अल्टीमेट यूज़ किया है, तो भीम हमेशा से सबसे बड़े बाहुबली थे, ठीक है। नाउ हियर बाहुबली बिकम्स अ कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि भीम अल्टीमेट
क्या नाम है, बाहुबली थे. लेकिन अगर मान लीजिए भीम के अलावा भी कोई बाहुबली होता या किसी और को मैं कंपेयर करती बाहुबली के साथ, तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे केसेस में जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कॉमन नाउन्स बन जाते हैं, बिकॉज हम उनकी विशेषताओं की कंपैरिजन करने लग जाते हैं. सो आई होप वी गॉट इट. अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, देन यू कैन क्लियरली आस्क मी, एंड इफ़ यू वॉन्ट अनदर वीडियो ऑन इट आई वुड बी हैप्पी टू मेक वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा नाउन का जो ये जो टॉपिक है आज का वो खत्म हो जाए. So we talked about proper nouns, we talked about common nouns, and how our proper nouns become common nouns in few situations. ठीक है, अब हमारे common nouns include करते हैं दो type के. So we have noun, we have proper, common. ठीक है, और जो हमारा common noun है उसमें है क्या, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट. अब अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको बेसिकली नाउन के टाइप्स याद हो गए. ठीक है, तो कॉमन नाउन्स ऑल्सो इंक्लूड कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब जैसे कि नाम बता रहा है, कलेक्टिव यानी कि एक समूह. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट collective nouns and abstract nouns. So collective is when you are talking about in something which can be counted, which is in a group, jo ki ek collective form mein hai. So it could be a police jo hai, it is about a whole party, hai na, herd, it is about a group again. Theek hai, mob. To ye sare hamare ho gaye कलेक्टिव नाउन्स. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नाउन इन अ कलेक्टिव फॉर्म तो उसमें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम इन अ कलेक्टिव फॉर्म. सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट इज सिंपली वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, एक्शन और द स्टेट. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगी बिकॉज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मतलब नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट you study it in such a way that it won't be complicated. So humne collective pad liya, herd, police, you know, a group. Group bhi is a collective noun. Now we have abstract. So abstract, in abstract I'm talking about the name of a quality, action and state. ठीक है, अब मैं एक क्वालिटी की बात करती हूँ, एक्शन की बात करती हूँ या स्टेट की बात करती हूँ, विदाउट द पर्सन और द ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, ब्रेव सोल्जर. ठीक है, अभी ब्रेव को अगर मैं स्टैंड अलोन एज अ वर्ड यूज़ करूँ तो उसका क्या होगा? ब्रेवरी. ठीक है, नाउ ब्रेवरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. समझे, दिस इज अ क्वालिटी जो कि अगर मैं सोल्जर ना भी इस्तेमाल करूँ तो भी यूज़ की जा सकती है. सो दैट वर्ड इज ब्रेवरी एंड हेंस ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई होप दैट मेक्स सेंस. अगर नहीं तो अब एक्शन पे चलते हैं, तो एक्शन से मेक सेंस हो जाएगा. सो एक्शन क्या होगा? ही लॉस. ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? लाफ्टर. ठीक है, और अच्छा इसमें आप कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल है. कोई एक शब्द है जिसमें आप ही, शी, हिम, सीता, गीता इस्तेमाल ना करें लेकिन यू स्टिल टॉक अबाउट दैट क्वालिटी या दैट एक्शन, स्टैंड अलोन भी यूज़ हो जाए तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जैसे स्टेट की अगर मैं बात करूँ, मतलब एक सिचुएशन की बात करूँ, एक टाइम की बात करूँ, एक ईरा की बात करूँ, तो अगर मैं कहती हूँ हिज चाइल्डहुड, बट अगेन चाइल्डहुड कैन बी यूज्ड अकेले भी ना,
आई कैन टॉक अबाउट चाइल्डहुड डेज, सो इट ऑटोमेटिकली सेज अबाउट द चाइल्डहुड डेज ऑफ दैट पर्सन. अब जैसे अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ में एक इंसान की बात हो रही है जिसके बचपन की बात हो रही है, तो उसके बचपन की बात हो रही है तो पहला सेंटेंस आप लिखेंगे कि वो बचपन में ऐसा था, अब उसके बचपन में वो ये करता था, सो हिज चाइल्डहुड डेज वर लाइक दिस, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो चाइल्डहुड को आप उस नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो और उस नाउन के बगैर भी यूज़ कर सकते हो, एक एज अ स्टैंड अलोन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव से वर्ब से निकलता है. ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. तो आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेक सेंस कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं देन जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे और एक्सरसाइजेज होंगी और एक्सरसाइजेज को हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड देर इज वन मोर लेफ्ट क्लासिफिकेशन विच इज countable and uncountable. So that is the last part of nouns we have. So last we have countable and uncountable. ठीक है, अब जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है, जैसे कि नाम हमें कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट में बता रहा था, वैसे ही अब हमें ये नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट डज इट मीन. सो काउंटेबल इज समथिंग विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड. लेकिन आप कहेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन बी काउंटेड लेकिन वो अनकाउंटेबल में होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चीनी की बात करूँ तो 2 किलो चीनी, आई एग्री ऑन दैट, लेकिन उसमें काउंटेबल क्या है? उसमें चीनी काउंटेबल नहीं है, चीनी के पैकेट काउंटेबल हैं. ठीक है, चीनी क्यों काउंटेबल नहीं है? इसका डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत आसान तरीका है. आप शुगर कह सकते हैं लेकिन आप शुगर्स नहीं कह सकते, राइट? आप मिल्क कह सकते हैं लेकिन आप मिल्क्स नहीं कह सकते. इसीलिए शुगर और मिल्क जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउंस हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट मिल्क पैकेट्स, तो पैकेट्स आप काउंट कर सकते हो, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट, राइट? सो दोज मिल्क पैकेट्स विल कम इन काउंटेबल. एंड मिल्क्स क्योंकि नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो अनकाउंटेबल में होंगे. सो देयर वी हैव इट, वी हैव आवर नाउंस इन ऑर्डर. सो नाउन का होगा प्रॉपर नाउंस, कॉमन नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, कलेक्टिव नाउंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. सो इसमें कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, जस्ट कॉमेंट एंड आस्क मी. और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक नाउन पर मैं कुछ डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आई'd लव टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट. एंड इफ आई एम मिसिंग योर कॉमेंट ना, मेक श्योर दैट यू कीप कॉमेंटिंग सो दैट आई वॉच योर कॉमेंट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट. फिलहाल आपको क्लास कैसी लगी? You know. अगर आपको एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए, आई कैन मेक अ PDF फाइल एंड शेयर इट विद यू गाइस, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन सो दैट आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या समझाया और आपको उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, यू विल बी एबल टू नो इट. पर अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. आई विल सी यू वेरी सून. बाय.